अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वो लोग जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वो लोग जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। आज की जो मेरी वीडियो है, ये एक बॉडी केयर के बारे में रूटीन होने वाली है। ठीक है, सर्दियों का स्टार्ट हो चुका है और सर्दियों में क्या होता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, बहुत फ्लेकी स्किन हो जाती है। जितना मर्जी आप लोशन लगा लो, मॉइस्चराइज कर लो अपनी स्किन को, फिर भी आपकी स्किन पे वो जो ड्राइनेस के जो पैचेस होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और बस स्ट्रगल करता रहता है इंसान पूरी सर्दियों में। इतने में जो होता है, सर्दियां खत्म हो जाती हैं और गर्मियां आ जाती हैं। तो आज की जो मेरी वीडियो है, एक स्क्रब के बारे में होगी। ये स्क्रब ना सिर्फ आप सर्दियों में यूज कर सकते हैं, इसको गर्मियों में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। और इस स्क्रब का एक और बेनिफिट है, इस स्क्रब का एक बेनिफिट तो ये है कि आपकी स्किन को टोटली ये मॉइस्चराइज करेगा सर्दियों के हिसाब से। सेकेंडली, आप जब वैक्स करते हो, वैक्स करने के बाद वो इन ग्रोन हेयर जो होते हैं वो निकल आते हैं, और उसकी वजह से स्किन बहुत बम्पी सी होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इसका रेगुलर यूज करोगे, अंदर एड कर लोगे, तो फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। स्मूथ होने के साथ साथ आपकी स्किन को ये स्क्रब जो है ये वाइट भी करेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इन्ग्रीडियंट्स बता देती हूँ इसके लिए हमें क्या कुछ चीजें चाहिए होंगी। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये स्क्रब बनाने के लिए हमें कुछ जो चीज़ें चाहिए होंगी वो मैंने इस प्लेट में इस तरह से कर ली हैं। आपको मैं बता देती हूँ इसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए होगी मसूर की दाल, ठीक है, जो ऑरेंज कलर की होती है ना, छोटी वाली, उसको वो वाली चाहिए। साबुत मसूर जो होते हैं वो होते हैं ब्राउन कलर के, ये ऑरेंज वाली जो होती है ये वो है। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें, और ग्राइंड करके ये देखें, अपने अंदाजे से जितना बना रही हूँ आपको वो बता देती हूँ कि ये तकरीबन मैंने ऐसे मुट्ठी भर के जो लेते हैं ना, मुट्ठी, दो मुट्ठी मैंने ली है इसकी, ये मसूर की जो दाल थी ये वाली, ठीक है, मतलब भर के मुट्ठी ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, पूरी पूरी सी मुट्ठी ली थी मैंने। और जितनी आपने मसूर की दाल लेनी है उसका हाफ आपने लेना है चावलों का आटा, ठीक है। ये कोशिश करें कि जो बाजार से चावलों का आटा होता है ना, पिसा हुआ जो आटा होता है, ऑलरेडी जो पिसे हुए चावल होते हैं, आप वो लेंगे। घर में अगर आप पिसेंगे, मैंने ट्राई किया है, इसको बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनता। हमें इसका फाइन पाउडर चाहिए, क्योंकि स्क्रबिंग के लिए बाकी जो चीजें हैं वो अच्छी खासी स्क्रब कर देंगी आपकी स्किन को। तो चावलों का आटा जो है वो आपको चाहिए, कितना, इसका हाफ, जितना आप मसूर की दाल ले रहे हो उसका हाफ आपको चावलों का आटा चाहिए। अब जितना आपने चावलों का आटा लिया है उसका हाफ या उससे हाफ से थोड़ा सा ज्यादा कर लें। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 3 स्पून्स लिए हैं ना इसके चावलों के आटे के, तो मैंने 2 स्पून्स लिए हैं, 2.5 स्पून्स लिए हैं मैंने नमक के, सिंपल जो भी आपके घर में नमक हो आप वो ले सकते हो। और उतनी ही मैंने इसमें कॉफी ली है, ठीक है, ये जो पाउडर फॉर्म में कॉफी आती है, नेस्कैफे की ले लें, किसी भी ब्रांड की ले लें जो आपको इजीली अवेलेबल हो, आप वो ले सकते हैं। क्वांटिटी बता देती हूँ फिर, मसूर की दाल जितनी आपने लेनी है आप उस हिसाब से ले लो, उसको ग्राइंड कर लो अच्छे से। अब उसका आपने हाफ आटा लेना है, इसका चावलों का आटा पिसा हुआ हो, ठीक है, और जितनी आपने क्वांटिटी ली है, फॉर एग्जांपल अगर आपने 3 स्पून्स ली हैं इसके चावलों के आटे के, तो आपने 2.5 स्पून्स लेना है इसमें नमक, कोई भी जो आप घर में यूज कर रहे हो, और जितना नमक लेना है उतना ही आपने इसमें कॉफी लेनी है, ठीक है। अब इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखें, ये सारा मैं इसको मिक्स करके किसी भी आप बॉटल में इसको ट्रांसफर कर दे। मैं अभी जो है वो इस डब्बी में, ये मेरे पास एलोवेरा की है बड़ी हुई, इस डब्बी में ट्रांसफर करके फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मैंने इस कंटेनर में जो है इसको ट्रांसफर कर लिया है। आप बेशक चाहें तो डायरेक्ट कंटेनर में डाल के भी इसको मिक्स कर सकते हैं। प्लेट में थोड़ा सा मिक्स करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने अभी इस बॉक्स में ऐड करके इसको सारा कुछ, तो मैंने ऐसे इसको ट्रांसफर कर लिया। कॉफी अगर आप चाहें तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं इतना नहीं रखती कॉफी को, जितनी मैंने आपको क्वांटिटी बताई, मैं जितनी आप क्वांटिटी बताई है उस हिसाब से मैं कर लेती हूँ। आप चाहे इसको बढ़ा भी सकते हैं। इसमें मसूर की जो दाल है वो क्या करेगी, वो आपकी स्किन को पहले तो अच्छे से स्क्रब कर देगी, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी वो इस तरह से होगी जैसे स्क्रबिंग वाले जो होते हैं ना, पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे स्क्रब कर देगी। सेकेंडली, आपकी स्किन को वाइट करेगी, एक टोन में आपकी स्किन को लेके आएगी। और दूसरा, इसमें जो चावल हैं, चावल आपको पता है कि वो आपकी स्किन को टाइट भी करते हैं और वाइट भी करते हैं, मॉइस्चराइज भी करेंगे। सेकेंडली, बाकी नमक है, नमक की भी यही सारी चीज़ें हैं। कॉफ़ी भी जो है वो भी आपको पता है, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है इन सब के बेनिफिट्स से, वाइट करता है आपकी स्किन को जो है वो, ग्लो देता है, और जो आपकी स्किन जो है डल हो जाती है, और सन टैन जो होता है उसको रिमूव करता है। तो ये सारी इसमें जो चीज़ें हैं, सारी चीज़ें वो
बहुत बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। आप इसको सर्दियों में चाहे सर्दियों में यूज कर सकते हैं, गर्मियों में चाहे तो गर्मियों में यूज कर सकते हैं। अब आपने इसका करना क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें हमने भी डालना है ऑयल, यही करूंगी आपको कि आप इसमें कोकोनट ऑयल यूज करें, ठीक है, क्योंकि मैं भी वही यूज करती हूँ। लेकिन अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं अवेलेबल तो आप इसमें ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी इस सारे बैटर में आपने इसमें डायरेक्टली ऑयल ऐड नहीं करना, क्योंकि जब अगर आप इसको ऑयल को ऐड करके रख दोगे तो बाद में वो बहुत सॉफ्ट सा हो जाएगा और ज्यादा देर तक चलेगा भी नहीं। इस ये जो आपने बनाया है इसको आप एक माह के लिए इजीली स्टोर कर सकते हो बगैर ऑयल ऐड किए, ठीक है। आपने जब ऑयल ऐड करना है तो आपने इसको प्रॉम्प्टली क्या करना है, आपने इसको यूज कर लेना है। तो शॉवर लेने से पहले मैं क्या करूंगी, इसका निकाल लूंगी, जितनी क्वांटिटी अपनी बॉडी के हिसाब से आपको चाहिए होगी उतनी आप क्वांटिटी निकाल लें इसकी, ठीक है, इस पाउडर की। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है ऑयल, कोकोनट है तो वो बेस्ट रहेगा, अगर कोकोनट नहीं भी है तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। वो कितना आपने ऐड करना है मैं आपको वो बता दूं कि आपने ना तो बहुत ज्यादा ऑयल इसमें ऐड करना है कि वो बिल्कुल चिपचिपा सा और आप ऐसे उठाएं तो वो थिक हो के नीचे गिर रहे हो, ये सारा हिस्सा से नहीं करना। जस्ट इतना करना है कि वो ना तो पाउडरी फॉर्म में रहे, जैसे ये देखें ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में है, ठीक है, उड़ भी रहा है ना, तो ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में रहे और ना ही बहुत ज्यादा रनिंग कंसिस्टेंसी में हो जाए कि उसके अंदर से ऑयल ही टप टप कर रहा हो, ऐसा आपने नहीं करना। आपने अपने हिसाब से ऑयल इसमें ऐड करना कि अच्छे से वो मिक्स भी हो जाए और उसको उठा के आप अच्छे से अपनी बॉडी पे जो है वो स्क्रब भी कर सके। अभी क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं करना तो मैं आपको दिखा नहीं सकती, और मेरे पास अभी ये ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल मेरा खत्म हुआ हुआ है तो मैं अभी इसी से यूज करूंगी। इसके भी अच्छे रिजल्ट्स हैं लेकिन मैं प्रेफर ये करती हूँ कि कोकोनट ऑयल जो है वो यूज किया जाए, ठीक है। इसको आपने यूज कब कब करना है, अगर अभी जैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगी कि आप हफ्ते में इसको लाजमी एक दफा यूज करें, ठीक है। 2 मंथ्स के लिए आपने इसको इसी तरह यूज करना है, हफ्ते में एक दफा। के बाद आप इसको 15 डेज में भी कर सकते हो, यानी 15 दिन में आप एक दफा भी कर लो, आपकी बॉडी जो है वो उसकी स्किन जो है वो रिन्यू होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे बॉडी को स्क्रब कर लो, वॉश ऑफ कर लिया, आपने इसके बाद मॉइस्चराइजर लाजमी लगाना है। कोई भी बॉडी लोशन लगा लो जो आप लगाते हो, कुछ भी जो आप लगाते हो नहाने के बाद, आप वो इसको यूज कर सकते हो ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाए और आपकी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे। आप ये लाजमी यूज करें स्क्रब, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर इसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलते हैं तो मुझे फीडबैक आपने लाजमी देना है, ठीक है, मैं वेट करूंगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।